नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड विद अ फोकस अपॉन यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कवरिंग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव फैशन फ्रॉम वेरियस न्यूज पेपर्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट, ऑल्सो वेरियस मैगजीन्स लाइक डाउन टू अर्थ, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, योजना एंड कुरुक्षेत्र। तो एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव फैशन से हम कवर कर रहे हैं ये पूरे करंट अफेयर्स न्यूज ऑन अ डेली बेसिस। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेशन में हम 11 मई 2020, दैट इज आज के वो न्यूज जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम ये कवर करने वाले हैं इस सेशन में। ऑलरेडी इसके पहले 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं ओवर द न्यूज ऑफ 11 मई 2020। ये लास्ट वीडियो है और ये बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करेगा साइंस एंड टेक के न्यूज जो आज पब्लिश हुए इन द फेमस न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री। तो चलिए एनालिसिस करते हैं न्यूज का एंड लेट्स एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सबसे पहला न्यूज द हिंदू का ये न्यूज है, ये आर्टिकल दिया था द हिंदू में, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इंडियाज कर्व ऑफ कोविड-19। And you can see this graph out here. Yeh graph important hai. The chart shows the 7-day rolling average of new COVID-19 cases. COVID-19 ke upar hi maximum news aa rahe hai science and tech ke field se. Aur is news mein likha hua hai that India's graph or curve is on the upward trajectory. Iska saaf matlab hai ki India mein cases ka rise chal raha hai at present. Aur India's graph is following Russia, Brazil and Peru's graph. One can see India's graph out here, out this one. और ये ब्राजील का ग्राफ है, ये रशिया का ग्राफ है, इंडिया भी रिजेंबल कर रहा है इन्हीं कंट्रीज को इस ग्राफ पे। इसका मतलब है अभी केसेस का राइज चलता रहेगा और यही वजह है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉकडाउन किया है लास्ट 48 डेज से, इट्स बिकॉज ऑफ दिस दैट द कर्व हैज फ्लैटेंड समवॉट, अदरवाइज ये और भी ज्यादा एक्यूट ट्रेजेक्टरी रहता इंडिया के कोविड-19 केसेस का। तो लॉकडाउन से असर पड़ा है, फ्लैटनिंग थोड़ी बहुत हुई है बट स्टिल इट इज ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। रशिया, ब्राजील और पेरू से रिलेट हो रहा है ये एंड बाकी कंट्रीज का आप देख सकते हैं ग्राफ। वेल चाइनाज ट्रेजेक्टरी हैज गॉन डाउन, बेल्जियम का भी नीचे गया है, मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ यूरोप जहां पे ये पैंडेमिक ने हैवॉक रीक किया था लास्ट 2 मंथ्स में, वो सारी कंट्रीज का ट्रेजेक्टरी अब फ्लैटन हो रहा है एंड इट्स गोइंग डाउन। सो दिस ग्राफ कैन बी एडेड एज वैल्यू एडिशन। ये प्रीलिम्स में सवाल पूछे ना पूछे, मेंस में जरूर आपको लिंक करना है अगर कोई सवाल आता है पैंडेमिक के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन का इफेक्ट या सेकेंड प्लेस जहां पे ये रिलेट हो सकता है, ब्राजील हो या पेरू हो या इंडिया हो, ये तीनों कंट्रीज ट्रॉपिक्स में लाई करती हैं मेजरली। और अभी एक रिसर्च भी हुआ था दैट कोरोना वायरस बिकम्स समवॉट डॉर्मेंट इन एट हाई टेम्परेचर्स। सो वन कैन रिलेट दिस न्यूज विद द एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कोविड-19 केसेज एज वेल। तो बहुत वैरिड जगहों पे आप इसको वैल्यू एडिशन के रूप में पुट अप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और आप देख सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्स द मीटिंग विद चीफ सेक्रेटरीज एंड फोकस ऑन स्पेशल ट्रेन्स अभी चलाए गए हैं जो माइग्रेंट लेबर्स थे उन्हें अपने स्टेट्स पहुंचाने के लिए। सो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा वैल्यू एडिशन के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। सेकेंड न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पर्पस ऑल्सो एंड मेन्स पर्पस ऑल्सो। The news is about National Institute of Virology, Pune, developing a new test to detect antibodies. और ये टेस्ट इंडिजिनस है, इसका साफ मतलब है कंप्लीटली इंडिया ने खुद से बनाया इस टेस्ट को। और ये ELISA टेस्ट means enzyme linked immunosorbent assay. और ये एंटीबॉडीज चेक करेगा, एंटीबॉडीज जो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी when we are infected by an antigen such as bacteria or virus. So ये specific antibodies detect करता है। तो ELISA test यहाँ पे check करेगा antibodies against COVID-19 disease. So it's in short a antibody linked test. इसका मतलब है किसी को भी disease पहले हुआ है ये test बता देगा। तो इसका मतलब है any person who was infected or who is infected at present in both the cases the
test will become positive. You can see it here. इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिंस द एलाइजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इट कैन ओनली हेल्प इन नोइंग इफ द पर्सन हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड बाई कोरोना वायरस. सिंस इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इवन पीपल हु हैव रिमेन्ड सिम्टम फ्री ए सिम्टोमैटिक ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन विल टेस्ट पॉजिटिव. इट्स वेरी वेरी क्रूशियल. और ये हॉटस्पॉट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर स्पेशली ये टेस्ट बहुत बहुत बड़े रिजल्ट देगा. ऑल बिकॉज टू नो are there asymptomatic individuals in the society, aur yahi se india conclude kar payega whether we have entered stage 3 or not, that is community transmission phase of covid 19. to elisa test bahut to elisa test ek biochemical test hai aur ye 1971 mein pehli baar develop kiya gaya tha. And it detects antibodies. It's a diagnostic tool to detect specific antibodies in the blood. So every disease will have separate antibodies, और उसी को detect करेगा ELISA test. Already AIDS की disease detection के लिए इसका इस्तेमाल होता है. Also tuberculosis. Also West Nile virus. So AIDS, tuberculosis, West Nile virus. These are some of the diseases which have been in news for the last couple of years. और उसको डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट्स एंड द एलाइजा टेस्ट इज ऑल्सो अ बिग बिग बायोकेमिस्ट्री बिग बिग टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. एलाइजा का फुल फॉर्म प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है. इफ एनी क्वेश्चन कम्स और इफ एनी एसे कम्स ओवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग इन इंडिया, वन कैन लिंक दिस न्यूज एज वैल्यू एडिशन. नेक्स्ट न्यूज टोडास के ऊपर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज नीलगिरी माउंटेन्स में रहते हैं एंड दे हैव ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एम्ब्रॉयडरी ऑन क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स. तो ये क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स बहुत फेमस हैं और स्टाइलिश हैं. एंड टूरिज्म एंड टूरिस्ट अराइवल वहां बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू सेल ऑफ देयर traditional because of which they are able to sell off the quilts and blankets to the tourists and earn money. But all because of covid 19, the arrival of tourists has gone down. Yet they have found a new way of earning money, yet they have found a new way of their livelihood, and that is producing embroidered masks. तो मास्क प्रोडक्शन, तो मास्क बना रहे हैं ये लोग, स्टाइलिश मास्क बना रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड मास्क बना रहे हैं और उसकी मार्केटिंग हो रही है. सेल ऑफ हो रहा है 225 रुपीज ईच. द मास्क इज गेटिंग सोल्ड ऑफ एंड इट्स वेरी पॉपुलर. सो टोडास आर गेटिंग सो टोडास हैव फाउंड अ अल्टरनेट वे ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड दिस न्यूज वन कैन लिंक एज वैल्यू एडिशन ओवर एनी क्वेश्चन कमिंग ऑन एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स. ट्राइबल्स के एम्पावरमेंट पे कोई सवाल आएगा, ये हम वैल्यू एडिशन में लिंक करेंगे ये न्यूज. मूविंग अहेड, विटामिन डी और कोविड 19, ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है आज ये न्यूज. और एक चीज देखा गया, विटामिन डी का जहां पे विटामिन डी की लेवल्स इंडिविजुअल्स के अंदर जहां पे भी कम है वहां कोविड 19 के केसेस ज्यादा हैं. दैट मीन्स इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ द विटामिन डी लेवल्स इन द ब्लड सैंपल्स आर लो, द कोविड 19 केसेस आर ऑन द हाई इन दैट रीजन एंड मोर्टैलिटी रेट्स आर ऑल्सो हाई. जो लोग मर रहे हैं कोविड 19 से वो भी ज्यादा संख्या में मर रहे हैं ऐसी जगहों में जहां विटामिन डी कम है लोगों के अंदर. सो विटामिन डी आपका एक टास्क है, यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा विटामिन डी के मेजर सोर्सेस क्या हैं. तो वन ऑफ दीज सोर्सेस इज सनलाइट. और यही वजह है सदर्न यूरोप में एक कंट्री है इटली, इट हैज सीन मैक्सिमम कैजुअलिटीज ऑल बिकॉज पीपल अवॉइड सनलाइट because the climate there is moderate to warm. तो थोड़ी गर्मी ज्यादा है इटली में, इसलिए वहां सनलाइट अवॉइड किया जाता है. विटामिन डी इन शॉर्ट वहां पे लेवल्स कम है ब्लड में और आप कैजुअलिटीज देख सकते हैं. इसके जस्ट कन्वर्स, इसके जस्ट अपोजिट स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज. नॉर्डिक कंट्रीज आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. एंड यू माइट हैव सीन दैट यहां से कोविड 19 के बारे में कोई न्यूज नहीं आ रहा यूरोप में, क्योंकि द पीपल आउट हियर दे डोंट अवॉइड सनलाइट, दे बेसिकली लव गोइंग इन द सनलाइट ऑल बिकॉज दे आर कोल्ड कंट्रीज. तो जहां पे कोल्ड कंट्रीज है जहां लोग विटामिन डी, जहां लोग सनलाइट में जाते हैं और विटामिन डी उनके ब्लड में ज्यादा है,
वहां मोर्टैलिटी रेट्स और कोविड 19 के केसेस कम है। ये एक रिसर्च हुआ है, अभी बहुत रिसर्च चल रहा है कोविड 19 के ऊपर। सो वन कैन लिंक दिस विद विटामिन डी इनटेक। इन शॉर्ट दिस रिसर्च इज गिविंग इंडिकेशन टू इम्प्रूव द विटामिन डी इनटेक इन आवर बॉडीज सो एज टू अवॉइड द कोविड 19 डिजीज। एंड लास्ट न्यूज भी इंडियन एक्सप्रेस का आया था फ्लोरेंस नाइटिंगल के ऊपर, द लेडी विद द लैम्प इनका निक नेम था, एंड ये क्रीमियन वॉर में इनका ये नाम पड़ा था। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लेडीज हू हैड अ पैशन इन गोइंग इन द फील्ड ऑफ पैरामेडिक एंड नर्सिंग, एंड क्रीमियन वॉर 1854-1856 में इनका ये निक नेम पड़ा। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है, एंड इट्स द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल, एंड द आर्टिकल डिस्कसेस इन डिटेल अबाउट दैट हर लीगसी इज अंडर क्लाउड। So what was her legacy? What did she focus upon? She was one of the first to focus upon mathematical models and infections. तो आप देख रहे होंगे अभी mathematical models जो अभी आपने देखा इसी slide पे, the trajectory and the curve and the graph, mathematical models पहली बार introduce किया regarding infections Florence Nightingale ने। And she was the one who went to treat the people of Crimean War, and she told that, and after taking out a mathematical model, she proved that improvement in sanitary methods will reduce the mortality rates. In short, second unka focus hygiene pe tha. Hygiene mein unka bahut zyada focus hand wash ke upar tha. To ye dono cheeze aaj relevant dikh rahi hain Florence Nightingale ki. To Florence Nightingale, lady with the lamp, unke dono, मैं बोलूंगा ये गो थ्रू दिस आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस 11th May 2020, एक्सेलेंट आर्टिकल, एंड इट शोज हर डिटर्मिनेशन, बिकॉज उस समय नर्स बनना एक बहुत ही खराब ऑक्यूपेशन माना जाता था, एंड एट दैट टाइम शी वेंट अगेंस्ट द विशेज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ हर फैमिली टू बिकम अ नर्स, एंड शी ब्रॉट इनोवेशंस इन द फील्ड टू ट्रीट द इंडिविजुअल्स। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। So we discussed today in science and tech. So in this session we discussed the major news of science and tech of the date of 11th May 2020. जिसमें discuss किया हम लोगों ने सबसे पहला India का trajectory COVID 19 का, second NIV का test, ELISA test, third TODAS का एक alternative option livelihood का, fourth COVID 19 और vitamin D के links, and fifth Florence Nightingale की legacy और COVID 19 के links. That ends this session. Thanks a lot. और अगर वीडियो पसंद आया, don't forget to put in a like. Comments and suggestions are also welcome.